सो हाई फ्रेंड, टेकवी चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माई दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीबीएस के बारे में। बीबीएस मतलब बार बेंडिंग स्टूडियो। ओके, तो इसमें पर्टिकुलरली हम एक फाइल का बीबीएस के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसका हम बीबीएस बनाएंगे अभी, ठीक है। एंड आपको सामने दिखाऊंगा अभी कि कैसे आप उसको एक्सेल में बना सकते हो इजीली। काफ़ी लोगों को लगता है यार ये टफ काम है, ठीक है ना। अगर आपको सिर्फ कैलकुलेशन आती है ना, कुछ भी नहीं है बीबीएस। एक्सेल में बस आपको रखना है, बाकी चीज़ें तो अपने आप ऐसे ही निकल जाएगी फॉर्मूला के साथ, ठीक है ना। छोटी सी चीज़ें, ठीक है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल, ओके। बहुत लोगों फुल फॉर्म भी भूल जाते हैं या याद नहीं रहता है, ठीक है। तो बीबीएस का मतलब होता है बार बेंडिंग शेड्यूल, मतलब सरिया को कहाँ से कहाँ तक बेंड करना है, क्या साइज होनी चाहिए, उसकी क्या कटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में बेसिकली हम जानने वाले हैं बीबीएस फॉर पाइल, ठीक है। तो पाइल का बीबीएस हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। बहुत आसानी से बताऊंगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट लगता है ना, बाद में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है। मैं ऑलरेडी बहुत सारा बीबीएस बना चुका हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में ना मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत होती थी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अपने से किया, प्रैक्टिस किया, उसके बाद समझ में आ गया। फिर लगा यार कुछ भी नहीं है, मैं फालतू में डर रहा था करे। सो छोटा सा चीज़ है, ठीक है, बट बहुत काम आने वाली चीज़ है सिविल इंजीनियर के लिए स्पेशली, करेक्ट। चाहे वो साइट पे काम करे या ऑफिस में काम करे या कहीं भी करे, उसको कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको आना ही चाहिए। कहीं भी कोई आपसे पूछ सकता है, अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है ना, तो आप सिविल इंजीनियर नहीं कहलाओगे। सो सिंपल सा थी है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ना बात करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को सीधा, ठीक है। मैं ऑलरेडी एक बना रखा हूँ बीबीएस, ठीक है, मैं उसी पे आपको बताऊंगा ताकि आपको जल्दी से आसानी से समझ में आ जाए। कुछ भी आपको डाउट होता है ना, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इसमें फाइल का बीबीएस को कैसे बनाएंगे जानेंगे, ठीक है। तो फाइल का बीबीएस के लिए, ठीक है, तो जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने वो चीज़ बनाई थी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये मेरा कुछ उसका एड्रेस था, जैसे वो कुछ अलग अलग पैकेज होती हैं, जो भी रोड्स होती है ना उसका अलग अलग पैकेज होती है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग दे रखा बार बेंडिंग शेड्यूल, ओके। इसके बाद आपको कुछ स्ट्रक्चर के बारे में लिखना होगा कि कैसा टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने माइनर ब्रिज मेंशन किया करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ड्राइंग नंबर भी मेंशन करनी पड़ेगी जिस ड्राइंग के हिसाब से आप बीबीएस बना रहे हो, करेक्ट। जो भी उसका नंबर होगा, ये A to Z आपका नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको चैरेज लिखना पड़ेगा। चैरेज मतलब किलोमीटर होता है एक तरह से, आप समझ लो, ठीक है। तो ये चैरेज आपको लिखना पड़ेगा जो कौन सा किलोमीटर, क्योंकि हर कहने का मतलब है कि जैसे ये है 154, ये वहाँ पे 154 जो किलोमीटर है ना, वहाँ पे पाइल के बारे में है, तो वहाँ पे 006 वो एक ब्रिज का नाम, वो चाइनीज का नाम, मतलब चाइनीज से मेजर किया जाता है, करेक्ट, डिस्टेंस। उसके बाद उसको लोकेशन फिट की जाती है कि हर एक चाइनीज पे अपने पाइल्स होंगे, ठीक है। तो जो भी है वो ड्राइंग में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। उसके अलावा आपको ये LHS और RHS मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कहने का मतलब है राइट हैंड साइड रोड के लिए और लेफ्ट हैंड साइड रोड के लिए, मतलब RHS राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, यानी का मतलब है जो एक साइड जाने का और एक साइड आने के लिए। तो दोनों के लिए आपको नीचे क्या करने पड़ेगी, अलग अलग पिलर्स बनाने पड़ेंगे, करेक्ट। तो ये हम बना रहे हैं RHS दाहिने तरफ वाले के लिए, ठीक है, करेक्ट। और ये रहा आपका डाया ऑफ पाइल, जो आपकी ड्राइंग में इजिली मेंशन होगा कि 1500 का है, 1600 का है, या 1800 का है, या 1400 का है, जो भी है आपका यहाँ पे लिखा होगा। एंड आपको ये यूनिट मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कई लोग मतलब उसको मेंशन नहीं करते हैं, करेक्ट। तो यूनिट आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ताकि इसी बेसिस पे आप जब अपने कॉन्ट्रैक्टर को जाओगे तो वो चेक करके वेरीफाई करके आपको बताएगा कि हाँ आपका ये PVS सही है कि नहीं है, और आप इस पे काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, करेक्ट। एंड उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने एक लिया था अपार्टमेंट, करेक्ट। ये अपार्टमेंट, अपार्टमेंट क्या होता है, आपने जो ब्रिज देखा है ना, जो स्टार्टिंग ऑफ द ब्रिज का एक कॉलम होता है, मतलब जिसका एक साइड पे मिट्टी होती है और एक साइड में खाली रहती है, मतलब
ब्रिज वहीं से स्टार्ट होता है, उस पोर्शन को बोलते हैं अबाटमेंट, ठीक है। और उसके बाद वाले को ना अपार्टमेंट नहीं बोलते, उसको नॉर्मल पिलर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम अपार्टमेंट ले रहे हैं, किसी भी साइड ले लो, ए वन यहाँ पे लिखा हुआ, कहने का मतलब है एक साइड, और जो एंड हो जहाँ हो रहा होगा वहाँ का अपार्टमेंट को ए टू मेंशन करते हैं, ठीक है। तो हम ए वन साइड के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको बीवीएस बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको सारी की सारी आपको मेजरमेंट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप हेडिंग ऐसे करके बना सकते हो, क्या हेडिंग देना है आपको, जैसे सीरियल नंबर हो गया, बार का भी नंबर आपको अलग से देना पड़ेगा कि कौन सा बार का नंबर है। सीरियल नंबर में तो मतलब एक ही, क्या बोलते, एक ही बार का बहुत तरीके से, मतलब क्या बोलते हैं, कहने का मतलब है कि एक लेंथ जो आप पाइल में लगाओगे तो पाइल की लेंथ तो बहुत लंबी होती है, 25 मीटर, 30 मीटर ऐसे करके होती है करेक्ट। एक सरिया तो आप उतना लगा नहीं सकते ना, एक सरिया की लेंथ कितनी होती है, करेक्ट। तो आप उतना एक साथ लगा नहीं सकते, पूरी की पूरी सरिया आपको तो सीधी मिलेगी नहीं, क्या होगा आपको उसमें कट करके लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कट करके, क्योंकि आपकी एक सरिया की लेंथ कितनी होती है, 12 मीटर होती है, करेक्ट। एक सेकेंड, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लूँ। तो एक सरिया की लेंथ कितनी होती है, 12 मीटर होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर मान लो 24 24 मीटर की अगर पाइल आप कर रहे हो, तो आप दो सरिया लगानी पड़ेगी, दो से भी नहीं होगा, तीन लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आप 12 मतलब एक के बाद एक तो लगा नहीं सकते ना, कुछ तो आपको ओवरलैप करना पड़ेगा, करेक्ट। तो आपको तीसरी सरिया भी उस केस में लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ओवरलैप का अलग फॉर्मूला है कि आपको कितना ओवरलैप होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होता है, इसके अलावा ड्राइंग में भी मेंशन होती है, अगर ज़्यादा हेवी स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पे वो लोग मेंशन करते हैं कि आपको कितना देना पड़ेगा आपको ओवरलैप, करेक्ट। सो ये रही, ठीक है। उसके बाद जैसे डाया ऑफ बार आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सा डाया का है, ठीक है, उसका लेंथ सॉरी यूनिट एमएम में दे दिया, स्पेसिंग कितना लेना है वो हमने दे दिया, ठीक है। स्पेसिंग कहने का मतलब है कि उसमें रिंग लगाई जाती है, करेक्ट। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको पता होगा कि रिंग लगाई जाती है, ठीक है ना, मतलब चारों तरफ से एक रिंग लगी रहेगी। उसकी स्पेसिंग कितनी होगी, सॉरी माय मिस्टेक, रिंग लगी होगी लेकिन यहाँ पे रिंग नहीं है, सॉरी। ये आप जो वर्टिकली जो सरिया लगाओगे, ठीक है, तो वो कितने डिस्टेंस पर रखोगे, तो आपको 240 mm करके गैप देके लगाना है, ठीक है ना। वर्टिकली जब रखोगे, कहने का मतलब है कि जब आप सरिया लगाओगे ना, तो आपको जैसे मान लो एक सरिया आपने लगाया, ठीक है, एक और दूसरा जब सरिया लगाओगे तो थोड़ी सी गैप रखोगे ना, करेक्ट। तो इस गैप को बोलते हैं स्पेसिंग। फिर तीसरा लगाओगे तो फिर सेम स्पेसिंग करके दोगे, करेक्ट। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड स्पेसिंग, इसको कहते हैं, ठीक है। तो वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका शेप ऑफ द बार, ठीक है, उससे पहले एक डिस्क्रिप्शन कि वो कौन सा बार है, उसके बारे में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसे लिखा है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है, ठीक है ना, दो चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। पाइल का कब भी आप बनाओगे, एक मेन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहने का मतलब है वो, फिर आपका रिंग वाला भी होगा, ठीक है। तो आगे बात करेंगे उसके, ठीक है। उसके बाद शेप ऑफ द बार, किस टाइप का शेप में आपको वो काटना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स आ गया, नंबर ऑफ बार्स में आप क्या दे सकते हो, नंबर्स कितने साइड हैं और टोटल। इसके आपका ये फायदा होगा ना कि अगर दो साइड में अगर सेम बार लग रही है, तो बस आप यहाँ पे ×2 कर दोगे ना, तो इजिली आपका यहाँ पे निकल जाएगा, करेक्ट। तो उसके लिए फिर से आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपका ये टोटल कटिंग लेंथ हो गया कि आपको कितना कटिंग लेंथ चाहिए उसकी, और ये टोटल लेंथ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको यूनिट यहाँ दिखाना पड़ेगा, ठीक
ठीक है, क्योंकि टोटल आप वेट जब निकालोगे तो आपको यूनिट वेट लिखनी पड़ेगी उस सरिया की, करेक्ट। तो अलग अलग सरियस की जो यूनिट वेट होती है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप नेट से या IS कोड जो होती आप वहाँ से निकाल सकते हो, करेक्ट। जैसे यहाँ पे 12 mm की सरिया ली गई है, तो 12 mm की यूनिट वेट कितनी होती है, 0.888, करेक्ट, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये फिर वेट इन kg है, ठीक है। आप यहाँ पे अलग अलग सरिया सारे आप मेंशन कर दो, जैसे 8, 10, 12, 16, जो भी सरिया होगी ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जब फॉर्मूला हम सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें सेट नहीं किया हुआ, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा कि आप कैसे उसको सेट कर सकते हो, ठीक है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो वहाँ पे आएगा, ठीक है। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैंने ये उठाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको टोटल यहाँ पे लिखनी है कि टोटल कितना चाहिए वो सरिया, मतलब कितना केजी में आएगा, ठीक है ना। जब ये वेट निकलेगा तो ओवरऑल वो केजी में निकलेगा, जब आप यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, केजी पर मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, इसका मीटर और ये जो टोटल मीटर आप निकाल रहे हो मीटर मीटर कट जाएगा, बचेगा जो भी वो केजी में आएगा, ये आपका वैल्यू केजी में आएगा। तो इससे पता कर सकते हो कि आपको पर्टिकुलर लेंथ की कितनी केजी सरिया रिक्वायर, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड समथिंग का पावर बेंडिंग स्टीरियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है, ठीक है। अब आप देखोगे बोलोगे जी सर आपने तो सीरियल नंबर 1 और 2 एक ही नंबर बार के लिए दे दिया, करेक्ट। तो मैं इसलिए दिया हूँ कि बार नंबर तो एक ही रहेगा, ठीक है, लेकिन वो इतना लंबा है कि उसमें एक सरिया से नहीं होगा, तो उसमें कितने चाहिए, दो सरिया को आपको ज्वाइंट करनी पड़ेगी, इसीलिए ये आपका सीरियल नंबर 1 हो गया और एक सीरियल नंबर 2 हो गया। मतलब ओरिजिनली बार नंबर एक ही के लिए चाहिए, तो कुछ सरिया ये चाहिए और कुछ सरिया ये चाहिए, दोनों मिला के बार नंबर एक कंप्लीट होगा, ठीक है। 12 की आपकी डाया हो गई, 240 mm की स्पेसिंग हो गई, ठीक है, जो जैसे कि मैंने बताया कि कैसे आप उसको लगाओगे, ठीक है। उसके बाद ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। अब आपको अगर सिविल इंजीनियर हो तो आपको पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सा हुआ, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि इसकी लेंथ जो है ना टोटल ये 12 मीटर से ज्यादा है, करेक्ट, इतना है 12 मीटर से ज्यादा, तो इसलिए इसने क्या किया, एक आपकी नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज क्या होती है सर, ये 12 12 मीटर होती है, 12 मीटर जो होती है ठीक है, तो 12 मीटर है तो आपको दो सरिया ज्वाइन करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो उस केस में आपको एक ये सरिया लगे, जब ये और ये ऐड करोगे आप टोटल आपका 12 मीटर निकल गया, ठीक है। और उसके बाद जितनी बचेगी वो ये लेंथ होगा प्लस लैप लेंथ होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को जो ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैप लेंथ। मतलब कि अगर मैं बात करूं जैसे, तो जैसे ये सरिया जो है ये डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लगा सकते ना, करेक्ट। तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, ऐसे लैप लेंथ करके लगाओगे तभी जाके मजबूती होगी, फिर यहाँ पे आप उसको बाइंडिंग डॉट से बांध दोगे, करेक्ट। सो दैट इज कॉल्ड लैप लेंथ। तो वो लैप लेंथ भी एक स्टैंडर्ड साइज का होता है या ड्राइंग में दिया होगा, तो आप उसके बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर्स कितना चाहिए, नंबर्स कितना चाहिए, मतलब 27 नंबर्स चाहिए, ठीक है। भी कैसे आया ये आपको उसका डायमीटर के हिसाब से निकालना है, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं दूसरा वाला निकाल देता हूँ ताकि आपको उसमें फॉर्मूलाज दिखे। यहाँ पे फॉर्मूलाज मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज निकाला हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूलाज में आपको इजीली समझ में आएगा, करेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला वाला एक बार ओपन करता हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नो कर दिया मैंने, ठीक है। ये मैं गया यहाँ और ये फाइल नहीं थे,
सो ये सिर्फ चाइनीज बदल रहा है, ठीक है ना, बाकी जो है सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने ना इसको इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया था ना, देखो मैंने लेफ्ट में ना पूरी लिख लिया था, इधर पाई की लेंथ कितनी है, पाइल का ये केज कितना होगा, केज लेंथ कितना होगा, पाइल का डायग कितना होगा, ठीक है ना, और उसमें किस किस टाइप का सरिया लगा था, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 7A और 8A लेंथ मैं अलग से निकाल रखा था ताकि मेरे को इजीली चीज़ें हों, ठीक है। ये जैसे 8A है ये रिंग का है, ठीक है, उसी तरह ये 7A एंड 8A, ये दोनों एक ही टाइप का सरिया है, इसलिए हमने यहाँ से अलग से निकाल रखा है। नहीं, आप ड्राइंग देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने अलग से थोड़ा डिफरेंट किया है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ना, पाइल की जो लेंथ है ना, लेंथ थोड़ी और बड़ी है, लेंथ बड़ी है, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे आपको तीन तीन सरिये लगाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका लेंथ जो है पाइल की वो बड़ी है, करेक्ट। तो पाइल की लेंथ कितनी है, आपको ये आएगा पाइल की लेंथ 23.5, करेक्ट। तो 23.5 आएगा तो एक सरिया की लेंथ मतलब 23 मीटर 500, करेक्ट। 23 मीटर 500 है, सरिया की लेंथ एक होती है सिर्फ कितनी होती है, 12 मीटर। 12 और 12 दो अगर सरिया मिलाओगे तो 24 मीटर हो रहा है, लेंथ तो आ जाएगी। लेकिन आप जैसे कि मैंने वहां बताया कि आप एक के नीचे एक नहीं लगा सकते, करेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दोनों को थोड़ा लैप लेंथ लगाना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसके लिए आपको तीसरी सरिया का भी यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो अब देखो, अब जैसे इसमें हमने पहला लिया है आउटर वर्टिकल, ठीक है, ये जैसे डबल जाली का पाइल है, ठीक है, मतलब कि एक आउटर में भी रिंग है, ठीक है, फिर एक उसके अंदर भी रिंग है, दो रिंग है, ठीक है। तो अगर आप देख लो आपका एक सिंगल का होगा तो सिर्फ आपको आउट करने से चल जाएगा, अगर ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर होगा तो उस केस में आपका आउटर और इनर दोनों ही होगा, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो ये हमारा 32 मीटर का मेन सरिया है, ठीक है, तो ये आउटर का देख रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी टोटल लेंथ कितनी थी, 23 मीटर 500, ठीक है। 23 मीटर 500 थी तो हमको पहला लेंथ कितना है हमारे पास, 1200। तो 1200 है, अब ये जो बेंडिंग लेंथ होती है ना स्टैंडर्ड साइज में आप 300 लगा सकते हो, ठीक है, अगर पाइल का ये यहाँ पे दे रहे हो, अगर कुछ नहीं दिया है तो 300 आप लगा सकते हो, एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और अगर 300 का स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको 150 तो देनी पड़ती है, 100 अगर ज़्यादा पतला आपका स्ट्रक्चर है, तो ये तो खैर 1500 डाया का है तो काफ़ी है, तो उसमें आप 300 का एल दे सकते हो, ठीक है ना। तो 300 की एल हो गई, ठीक है, और ये आपका बाकी का लेंथ हो गया, ठीक है, बाकी का लेंथ ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को आप जब ऐड करोगे ना तो 12 मीटर की एग्जैक्टली होनी चाहिए। बट यहाँ पे देखोगे ये आप कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो रहा है, 60 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। क्यों? अब क्या है कि ये जो आप बेंड करते हो ना, तो बेंड करने से थोड़ी सी जो लेंथ है ना, लेंथ बढ़ जाती है, उसको 2D, एक एल मतलब 90 डिग्री पे 2D बढ़ती है, 2D की लेंथ आपको बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो आपको माइनस करनी होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जो सरिया उतना तो काट के फेंक सकते नहीं ना 60 में, तो मैंने क्या किया इसी में ऐड कर दिया कि भाई उसी में मिला दो, तो हमारा इसे क्या होगा ना, हमारा थोड़ा सरिया बच जाएगा, करेक्ट। नहीं तो आप उसको ये मतलब यहाँ पे मैनेज नहीं करोगे तो 60 mm तो कोई काटने नहीं जाएगा, बट वो 60 mm का क्या होगा, हर बार आपका लॉस होगा, कंपनी का लॉस होगा, करेक्ट। तो इसके लिए मैंने फिर से वो 60 ऐड कर दिया, चाहो तो आप उसे रिमूव कर सकते हो। 12 मीटर की टोटल सरिया मैंने क्या किया, 12 मीटर की टोटल सरिया माइनस ये 300, ये फॉर्मूला लगा दिया है मैंने डायरेक्ट, ठीक है, प्लस 60 कर दिया, तो हमारा बाकी का जो लेंथ है वो आ गया कि इतना है, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाओगे तो आप 12 मीटर ही आएगा, ठीक है। जैसे ये देखो 2D यहाँ पे माइनस किया है, 2 इंटू डी, ठीक है,
तो वो माइनस करोगे तो वो फिर से वो इतना 12 मीटर ही आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है। देखो मैंने यहाँ पे सेल कैसे सेलेक्ट किया है, देखो आप। तो सबसे पहले लिया हमने A11, ठीक है, A11 बोले तो ये करेक्ट। उसके बाद लिया है G12, मतलब ये माइनस। माइनस क्या किए हैं हमने, 2 इंटू D, 2D, और ये देखो 2 इंटू ये C10। C10 में मतलब क्या है, उसका डाया है, तो 2D माइनस हो गया। इंटू नंबर ऑफ बेंड, मतलब जितना भी बेंड होगा, तो यहाँ पे हमारे क्या एक ही बार बेंड हो रहा है, एक ही बार इल लग रहा है, तो एक है, तो इसीलिए वो A I10, मतलब एक, ठीक है। अगर दो बार बेंड हो रहा होगा तो आपको 2 बार -2D करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एक्चुअली, टोटल लेंथ माइनस ये 2D करोगे तो इसकी ओरिजिनल कितनी लेंथ चाहिए वो पता चलेगी, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आपकी टोटल लेंथ कटिंग लेंथ हो गई 12 मीटर की, ठीक है। 12 मीटर की हो गई एक की लेंथ, ठीक है। सरिया आपको चाहिए कितना, 13 पीस चाहिए, नंबर ऑफ बार्स लिखा हुआ है 13, कितना साइड के लिए, एक ही साइड के लिए, तो इसको 13 चाहिए, मतलब 12 मीटर का सरिया कितना चाहिए आपको, 13 पीस चाहिए, ठीक है। उसी तरह सेकंड वाला आप देखोगे तो पूरी की पूरी 12 मीटर हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये भी आपका 13 मीटर हो गया, बेंड आपका 0 हो गया, फिर कुछ भी नहीं है, और ये भी 13 पीस चाहिए, और आपका फिर बाकी का बचा जो वो आपका ये बचेगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, टोटल 23 मीटर में से ना माइनस किया, क्या माइनस किया देखो आप, 23। ए देखोगे आप तो A A12, A A12 मतलब उधर में मैं लिख रखा था आपका पाइल का टोटल लेंथ, वही 23.5 ही है। आप अगर देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, सॉरी 23 मीटर नहीं, 25 मीटर अभी यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। केज लेंथ वो थोड़ा सा वो सा क्या बोलते हैं, जब 2D 4D सब ऐड करोगे तो वो केज लेंथ में चेंज हो जाता है सब, ठीक है। तो वो सारा मिला के आपका हो गया ये लेंथ, माइनस हमने क्या किया F14। F14 मतलब ये आप देखो 12 मीटर का माइनस किया। इसके बाद हमने लिखा है F11, F11 मतलब ये वाला माइनस किया, ठीक है, ये और ये माइनस किया, प्लस 52D इंटू ये 316 क्या है, ये फिर से आपका डायमीटर है। कहने का मतलब है कि लैप लेंथ जो होती है ना वो 52D लगाई जाती है, ठीक है, कहीं पे 50D भी होती है, ठीक है, बट अगर ड्राइंग में स्पेशली मेंशन किया गया है तो आपको 52D लगानी पड़ेगी। ये 52 इंटू डायमीटर वो होगी आपकी लैप लेंथ, ठीक है, दोनों का लैप लेंथ होगा इंटू 2। 2 क्यों, क्योंकि एक बार ये और ये वाला सरिया जब मिलेंगे तो वहां पे एक बार लैप लेंथ लगेगा, फिर ये थर्ड वाला और ये वाला जब मिलेंगे तो फिर से एक बार लैप लेंथ होगा, तो इसलिए हमने 2 बार ऐड किया, करेक्ट। तो टोटल आपका बचा हुआ सरिया यहाँ पे निकल गया कि हमारा कितना हुआ था, 25 मीटर, करेक्ट। तो ये जब तीनों आप ऐड करोगे तो वो लेंथ आपकी निकल जाएगी टोटल कितनी लेंथ, ठीक है, एक सरिया की पूरी निकलेगी, ठीक है। तो ये भी 13 पीस चाहिए होगा, ये भी 13, ये भी 13, ठीक है, 13 13 13 आ गया। यहाँ पे कटिंग लेंथ हो गई, पहला वाला तो पूरा 12 मीटर, दूसरा वाला भी 12 मीटर, और लास्ट वाले में सिर्फ आपको 4 मीटर 580 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप टोटल लेंथ निकाल लो, ठीक है, एक की लेंथ 12 है, 12 इंटू 13 कर लो, देखो 12 इंटू 13 टोटल कितनी हो गई, इतना सब फॉर्मूला लगा हो, खाली आप इधर की वैल्यू सेट कर दोगे ना, इधर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये निकल गई आपको एक 12 मीटर वाली सरिया की इतनी लेंथ चाहिए। उसी तरह ये वाला फिर से ये और ये मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला लग गया बस, ठीक है ना, सिर्फ देखना है। उसके बाद उसी तरह ये और ये करोगे तो आपका टोटल इतना होता है, और 32 की सरिया है तो 32 की सरिया की यूनिट वेट होती है 6.320,
6.320 केजी पर मीटर। अब ये देखो, मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो है ना, ये भी ऑटोमेटिक है, इसमें आपको कुछ सेट कुछ भी नहीं करना है। जिस लेंथ की सरिया आप डालोगे उसी लेंथ में ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। आपका फॉर्मूला देखो क्या है, सॉरी 8 का सरिया इसमें पाइल में यूज नहीं हुआ तो इसलिए 8 का फॉर्मूला लगाया नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 की है, ठीक है। 10 की निकालने के लिए क्या होगा, इफ C10, मतलब वो सरिया की जो डायमीटर लिखी है वो वाला सेल है C10, देख लो यार, नहीं तो कहोगे जी आप कुछ भी बता दे रहे हैं। ये देखो C में है, 10, 10 में जाओगे तो ये, ठीक है। अगर ये वाला इज इक्वल टू R$8, आर डॉलर मतलब इसके इक्वल है, ठीक है, ये जो 10 mm है, अगर इसके इक्वल है तो कैलकुलेशन जो हो जाएगी वो आपका ये हो जाएगा $O10 × E10। O10 आपका क्या है, ये देखो, ये रहा O यानी टोटल लेंथ इंटू P, मतलब टोटल लेंथ इंटू यूनिट वेट मल्टीप्लाई करोगे तो केजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो केजी में कन्वर्ट होके जैसे देखो ये 32 वाला सरिया है तो 32 का रो में आ गया। आप देखो अगर इसी को मैं 25 कर दो ना, देखो 25 वाले में देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखो आ गया ना, सब चेंज हो गया ऑटोमेटिक, करेक्ट। उसी तरह अगर मैं 10 का कर दूं, 10 वाले में देखो ऑटोमेटिक आ गया। मतलब हमने क्या किया था पहले, फॉर्मूला में इक्वेट कर दिया है कि अगर इस वाले सेल की वैल्यू अगर इससे है तो वो इसमें आएगा, अगर इसके बराबर है तो इसमें आएगा, नहीं तो इसमें आएगा, ठीक है, करेक्ट। तो हम फिर इसमें कर दिया, उसी तरह ये भी दोनों निकल गया आपका सिंपल सा, ठीक है। और लास्ट में आपका फिर से टोटल, आप इसी को आप इधर पे लिख लिए फिर से टोटल, करेक्ट। ये देखो वैसे हमने क्या किया, फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक सम लगा दिया है, ठीक है। सम लगाने का फायदा ये है कि आपको फिर से यहाँ पे मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो 8 में आए, 10 में आए, 12 में आए, किसी में भी आए, आएगा तो एक ही किसी में, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ बाकी तो जीरो ही रहेगा। तो सम का फॉर्मूला लगा है सम Q10 से W12 तक, कहने का मतलब है ये Q से लेके ये W तक। W अब बोलोगे जी देखो यार Q10 लगा है, 10 बोले तो यहाँ पे देखो तीन सेल मिला के ना मैंने एक सेल रखा है यहाँ, तो 10 आपका स्टार्टिंग का ये हो गया और 12 आपका एंडिंग वाला सेल है, करेक्ट, ये वाला, तो इसीलिए वहां तक लिखा है। देखो आप जब इसको सेलेक्ट करोगे ना, ये देखो पूरी यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा, करेक्ट। तो इसी तरह इसका लेंथ निकल गया, फिर इसका लेंथ और ये लेंथ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसी तरह अगर बात करूँ, अब देखो आउटर वर्टिकल का एक दूसरा टाइप का सरिया, ठीक है, ये 7 था, ये भी 7 है, ठीक है, सेम ही सरिया है बट दूसरा टाइप का। दूसरा टाइप का क्यों भाई, अब दूसरा टाइप का इसलिए कि जब आप सरिया लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको भी पता है कि सारा जॉइंट जो है एक ही जगह पे आप नहीं दे सकते, करेक्ट। कहने का मतलब है कि जैसे एक टाइप का आप सरिया लगा दिए ना, एक टाइप का सरिया लगाने के बाद आप सारा जो जॉइंट है ना एक ही जगह नहीं दे सकते। अब जैसे मान लो ये हो गया, अब जैसे ये एक आउटर वाला समझ लो, ठीक है, आउटर वाला अगर जब आप करने जा रहे हो तो जब दूसरा सरिया लगाओगे तो ऐसा नहीं कर सकते तुम कि ये वाला भी यहीं पे आ गया, फिर से तीसरे बार जब लगाने जाओगे तो फिर से उसका मतलब ये लाप लेंथ एक ही जगह पे आ गया, तो इससे क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ना ये वीक हो जाएगा, करेक्ट, ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब अगला सरिया ये जब लगता है तो इसको कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इसका जो लैप लेंथ है वो ऊपर चला जाए, मतलब अल्टरनेट आए, एक बार यहाँ पे आए, एक बार वहाँ पे जाए, एक बार फिर यहाँ आए, एक बार फिर वहाँ जाए। जब चौथा सरिया लगाओगे तो जैसे चौथा सरिया लगाओगे तो फिर से ये लैप लेंथ यहाँ चला जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ये
वीक सेक्शन था वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो एक बार इसको ये वाला वीक अगर था तो इसको सपोर्ट करेगा ये, फिर से अगर ये वीक है तो इसको सपोर्ट करेगा ये, करेक्ट। तो इसके लिए आपको दो टाइप की सरिया बनानी पड़ेंगी, मतलब दो सेट अलग अलग, जिसमें कि एक का लेंथ यहाँ पे आए और दूसरे का लेंथ यहाँ पे आए, करेक्ट। आई होप समझ में आए आपको अल्टरनेट, ठीक है। तो टोटल जो भी नंबर चाहिए होगा आप उसको आधे सरिया क्या करोगे इस टाइप के बनाओगे, और आधे सरिया फिर क्या करोगे इस टाइप के बनाओगे। तो जैसे कि हाफ सरिया जो है इस टाइप का बन गया, मतलब टोटल 26 चाहिए था रॉड, जिसमें से 13 हो गया आपका इस टाइप का एक सेट, और 13 हो गया ये दूसरा सेट, ठीक है। इसमें देखो क्या किया है, लेंथ को चेंज करना है ताकि लैप लेंथ जो है अलग अलग जगह पे आए, ठीक है। अब इसने क्या किया है लैप को चेंज करने के लिए, इसने कर दिया इतना, इसने क्या किया, इसने मतलब 2400 माइनस कर दिया, ठीक है। एक फॉर्मूला है 1.3 इंटू आपका जो 52D होता है जो, ठीक है, 1.3 इंटू 52D मतलब 1.3 इंटू आपका लैप लेंथ जो भी दिया होगा, ठीक है। तो 1.53D करोगे तो अप्रॉक्स आपका यही वैल्यू आएगा, अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो वो आप कितना भी दे सकते हो, जैसे कि अगर मैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, टोटल लेंथ माइनस इतना कर दिया, मतलब अब देखो आपको तो पता है कि 12 के सरिया चाहिए ही चाहिए आपको, तो इसमें कितना था आपका 1100, 1160 था। मैंने क्या किया, F11 मतलब ये वाला लेंथ, मतलब इसकी जहाँ पे लैप लेंथ आ रही है वहाँ से 2400 माइनस कर दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ से 2 मीटर 400 अब इसकी जो जॉइंट है ऊपर खसक गई, ठीक है। क्या हुई, ऊपर खसक गई, मतलब यहाँ पे जो लेंथ आ रही थी, यहाँ से मान लो ये वाला पहला वाला सरिया है, मान लो ये 1100 कुछ है, तो यहाँ से मैंने 2400 माइनस कर दिया, मतलब अब यहाँ चली गई लेंथ, करेक्ट। ये छोटा हो गया, तो अब इसकी लैप जो है यहाँ पे आई है और इसकी यहाँ पे, करेक्ट। देखो फॉर्मूला लगा हुआ है, बस खाली सरिया का वो चेंज करना, बस अपने आप बाकी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से वहाँ चला गया। अब इसमें भी आपको एल देना था, एल 300 का एल दे दिया। अब जब इसको टोटल मिलाओगे तो आपको 9 मीटर 600 के आसपास हो गया, 9 मीटर 600। अब इसमें बचेगा आपका 3 3 मीटर का टुकड़ा अप्रॉक्स, तो वो आप फिर कहीं पे बाद में यूज कर सकते हो जहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक सरिया हो गया, ठीक है, उसके साथ एक 12 मीटर का लग जाएगा, और ये थर्ड वाला फिर से उसी तरह के निकाल लेंगे कि टोटल लेंथ उधर जो हमारा लिखा हुआ था A12 में माइनस F ये वाला हो गया, माइनस ये वाला हो गया, प्लस प्लस में क्या करेंगे 52 इंटू डी, जितने बार आपका लैप लगेगा, ठीक है। ये देखो 52D और एक 52D फिर से किया हुआ है, एक बार मैं मतलब मुश्किल से मतलब भूल गया था, ठीक है, तो दोबारा लगाया, क्योंकि दो जगह ज्वाइंट दे रहे हो ना, कि यहाँ पे एक ये वाला है और ये वाला के बीच में लगेगा, और एक ये वाला और ये वाला के बीच में लगेगा लैप, करेक्ट। दो बार हो गया, और माइनस में आप देख लो F20 और F23 लिखा हुआ है, मतलब F20 एक ये हो गया और F23 एक ये, करेक्ट। तो इससे भी सेम, इसमें कुछ मैंने चेंज नहीं किया, बस यही वाला फॉर्मूला उठा के यहाँ डाला था, बाकी सिर्फ इसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया था कि इसके हिसाब से 2400 का ये 2400 का ये डिस्टेंस ये वाला चेंज रहा है, ठीक है। तो ये एक सेट फिर से बन गया आपका, 13 पीस ये भी चाहिए था, 13 पीस हो गया। फिर बाकी का कैलकुलेशन देखो, हाँ फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं करना आपको, वापस से फिर से आप अगर राइट साइड में जाओ तो आपका वापस यहाँ आ गया। ये वाला पार्ट एक्चुअली प्रिंट नहीं किया जाता है, ये मैं अपने पर्पज के लिए रखता हूँ, जब मेरे को प्रिंट करना होता है तो मैं यहाँ से यहीं तक प्रिंट करता हूँ, ठीक है ना। वो मैं अपने पर्पज के लिए रखा हूँ, कैलकुलेशन पर्पज के लिए, ताकि मैं यहाँ पे एक बार वैल्यू लिख दूँ और बार बार मैं वहाँ से बस सेल का नंबर डाल दूँ और ऑटोमेटिक उसका लेंथ कैलकुलेट होकर चला जाएगा, करेक्ट है ना।
अब देखो ये 7 हो गया, 7 हो गया, 7 का सरिया खत्म, अब 7A आ गया, इनर वर्टिकल, ये आउटर में था, उसके बाद एक राउंड का आपका सर्कल में आपका कम लेंथ का वो आएगा, क्या बोल सकते हो आप, देख लेना रिंग बोल सकते हो आप, ठीक है, तो वो हो गया। देखो यहाँ पे स्पाइरल भी लिखा हुआ है, तो रिंग भी बोल सकते हो, यानी यहाँ पे स्पाइरल बोलता है इसके सेक्शन में, ठीक है। अगर कॉलम अगर आप बनाते हो तो वहाँ पे इसको रिंग बोला जाता है, ठीक है। तो 7 में ये वाला आपका इनर वर्टिकल हो गया, ठीक है ना। अभी इनर में कितना चाहिए था लेंथ, लेंथ सेम ही है, ठीक है, सेम है क्या, नहीं, क्यों, आप ड्राइंग में देखोगे तो आपका ये और ये अलग अलग लेंथ पे होगा, ये सिर्फ जैसे ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक हो गया ये वाला लेंथ, और ये हो सकता है आपका टॉप से सिर्फ कुछ मीटर तक आ रहा होगा, जैसे अगर 25 मीटर के आसपास आपकी टोटल लेंथ है तो ये हो सकता है 20 तक, 18 तक कैसे आ रहा हो, जैसे डिजाइन किया होगा। तो मेरे केस में क्या है, आपका इतना ही लेंथ आ रहा है, जैसे देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरा कितना है 17 मीटर 753 की ही लेंथ है, ठीक है ना, मेरे केस में इतना ही लेंथ, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, तो 17 मीटर 700 की लेंथ लगाने के लिए कितना हमको सरिया यूज करना पड़ेगा, 12 मीटर का एक आता है, तो बोल सकते हो दो सरिया लगाएंगे तो हो जाएगा 24 मीटर का हो गया टोटल। आपका अगर लैप लेंथ देखोगे तो हो जाना चाहिए करेक्ट, तो इसमें हमने क्या किया है, अब दो ही सरिया मिला के हमारा एक सेट बन जा रहा है, तो एक 12 मीटर का पूरा सरिया हो गया और ये 7 मीटर 417 का, ये हमने टोटल, फिर से देखो फॉर्मूला वहीं से फिर से मैंने रिडायरेक्ट कर दिया, वहाँ पे A115 प्लस 52D, मतलब ये दोनों को एक बार आप जोड़ रहे हो तो एक बार लैप लेंथ लग गया और माइनस डी हो गया, ठीक है ना, माइनस डी क्यों हुआ बताओ, अरे ऊपर बताया ना अभी आपको, अरे पेंट तो करोगे यार थोड़ा सा, 300 का जो एल दे रहे हो करेक्ट, तो उसके लिए हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसी तरह 13 सरिया इसको भी चाहिए, मतलब इसमें भी 26 नंबर चाहिए, 13 इधर का हो गया एक सेट और 13 इधर का एक सेट हो गया, ठीक है, इधर भी देखो हाँ उसका लेंथ जो है ऐसे ही एडजस्ट किया हुआ है, यहाँ पे देखो लिख दिया हूँ 1.3 × 52D, मतलब वहाँ पे ऊपर मैंने अप्रोक्स 2400 लिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो उतना माइनस उतना कर दो, ठीक है, तो आपका सेकेंड सेट बन गया, तो ये आपके दूसरा बन गया। इसके बाद आपका स्पायरल होगा, रिंग होगा, रिंग में आपकी दो टाइप की सरिया होगी, जैसे इसमें एक 16 की यूज हो रही है, एक 12 की यूज हो रही है, ठीक है, तो 16 वाला का जब लेंथ निकालोगे तो इतना आएगा, 12 वाला का लेंथ निकालोगे तो इतना आएगा। अब ड्राइंग देखो यार, ड्राइंग आप सिंपल सा बात है, आप यहाँ पे इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे सेव करके लिखा होगा, या यहाँ पे जाओ जो भी आपको ड्राइंग चाहिए, बस ड्राइंग को एक बार ऐसे खींचो, शिफ्ट दबा के ना फिर खींचना, तब आपका परपेंडिकुलर होगा किसी भी डायरेक्शन, जो कलर देना है कलर दो, इसे मान लो ब्लैक ही दे देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको इसका अगर थिकनेस बढ़ाना है, थिकनेस बढ़ा दो, शेप का कुछ अलग अलग वो देना है तो वो दे सकते हो, ठीक है, तो सिंपल सा है, बस उसके बाद लाके अलाइन करते जाओ जहाँ चाहिए, उसके बाद इसी को कॉपी करो, फिर पेस्ट कर दो, फिर जहाँ चाहिए वहाँ अलाइन कर दो, सिंपल सा है, ठीक है, तो ऐसे करके आप उसको बना सकते हो। और स्पाइरल वाला भी मैंने क्या किया है ना, ये दो तीन सब लाइन ही है, लाइन को ही एक्चुअली मिला के मैंने बनाया, देखो अगर इसको मैं अनग्रुप कर दूँ, ये अच्छा मेरे को एडिटिंग ऑप्शन, ओके एक्चुअली क्या बोलता है, एडिट लिमिटेड है, ठीक है, इसीलिए
शायद नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो ये लाइन हो गया, ऐसे एक लाइन लिए, ठीक है किसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो, एक और लाइन आ गया फिर से कॉपी करके फिर पेस्ट कर लिए, एक और लाइन आ गया फिर से पेस्ट किया। अब देखो क्या किया, इसको लेकर थोड़ा सा ऐसे डायगनल कर दो, डायगनल करने के बाद इसको ऐसे मिला दो और इसको यहाँ पर ले आ गया। समझ में नहीं आ रहा, जूम कर लो और इसको ले जाके यहाँ पे मिला दो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल दबाओ, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, इसको ग्रुप कर दो। जब ग्रुप कर दोगे तो अब ऐसे ग्रुप ये एक्टिव हो गया, देखो अब ये सिंगल सिंगल नहीं रहा, एक साथ रहेगा जैसे कि ये है, करेक्ट। आई होप समझ में आ गया, करेक्ट। तो ऐसे करके उसको ड्राइंग को बना सकते हो, ठीक है ना। जो भी शेप चाहिए ना, आप यहाँ से शेप में इंसर्ट में जाओ और शेप से यहाँ से बना लो, ये यहीं पे शेप भी लिखा रहता है, ठीक है। मेरे में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जो भी शेप चाहिए आप शेप ले लो या खुद से मैनुअली बना सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं वापस से जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो उसकी लेंथ हो गई ये, इसकी लेंथ हो गई ये, ठीक है। अभी आप देखो जैसे और आपने मेंशन किया रुक, तो अब देखो ये जो स्पाइरल है इसकी लेंथ मैंने कैसे निकाली, ऑलरेडी उधर लेंथ मैंने गेज से लेंथ निकाल रखा था, -75 -75 माइनस डी किया, क्यों? ये 75 है ना नीचे का कवर और ये हो गया ऊपर का कवर, करेक्ट। नीचे और ऊपर का कवर माइनस डी किया, ठीक है। उसी तरह इसमें भी है, नीचे का आपका कवर, ऊपर का कवर और माइनस डी, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कर लोगे ना उसके बाद तो बस इजी इजी है। यहाँ पे भी देखो, ठीक है, उसकी टोटल लेंथ निकाली है, टोटल लेंथ प्लस 2 बार लैप होगा, जितने बार भी लेंथ है 17 मीटर मतलब 2 सारी लाएगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से 2D किया हुआ है फिर वो किया हुआ, ठीक है। ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये जैसे सिंगल पीस ही चाहिए क्योंकि ये कनेक्टेड रहता है नीचे से ऊपर तक, ऐसे ये स्पायरल रहेगा, ठीक है। तो वो हो गया, और इसका स्पेसिंग आप देख लो कहाँ से इसको दोनों के मतलब ये और ये जो सर्कल यहाँ है और यहाँ फॉर्म हो रहा है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 100 का, और ये वाले का 150 का होगा, ठीक है। राउंड जब करोगे तो उसी हिसाब से हो गया, ओवरऑल एक ही नंबर चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सारा कनेक्टेड होने के बाद एक ही नंबर रहता है, ठीक है। तो एक ही हो गया, और ये आपका टोटल लेंथ निकल गया, ठीक है। ये इंटू टोटल लेंथ जब करोगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह ये भी निकल गया, ठीक है। मतलब ये इंटू ये करोगे ना लाइन, जितनी लाइन चाहिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। बाद में आपका टोटल निकल गया, मतलब सेम ही रहेगा, एक ही पीस है तो, करेक्ट। फिर आपका ये यूनिट वेट इसका अलग होता है क्योंकि ये 16 का सरिया है, इसका 1.58 होता है, ठीक है। उसी तरह 12 का 0.888 होता है, करेक्ट। तो यूनिट वेट इंटू जो भी करोगे उस सेल में आ जाएगा, ठीक है। यूनिट वेट का भी फॉर्मूला होता है यार, आप चाहिए तो लगा सकते हैं। जैसे देख लो, ट्रंक इंटू C34, C34 मतलब डी स्क्वायर बाई 162 होता है, करेक्ट। तो डी स्क्वायर बाई 162, और ये 3 डेसिमल प्लेस के लिए लगा हुआ है 3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, आप लगा दोगे। अभी ये सेल में कौन सा लगा है देखो मैं दिखा भी देता हूँ, वहाँ का स्टार्टिंग का डायमीटर पे ही लगा होगा, सॉरी ये देखो, जो भी आप डायमीटर लिखोगे ना उसी के हिसाब से देखो ये यूनिट वेट भी चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज अगर मैं 12 लिख दूँ, देखो ये 0.88 हो गया, अगर मैं 16 लिख दूँ 1.58 हो गया, 32 लिख दूँ
तो ये भी ऑटोमेटिक आपका पूरा का पूरा सेल एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सर्कुलर रिंग चाहिए होगा, सर्कुलर स्पेसर बार, अरे तो उसकी डाया के हिसाब से कितना आप चाहिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1 मीटर का स्पेस है, 1000 का वो है इसका स्पेसिंग बार लिखा है, करेक्ट, मतलब 1-1 मीटर पे आपको देना है, ठीक है। मतलब 25 मीटर की अगर है तो आप 1-1 मीटर पे कितना हुआ, 25 हुआ, तो आप उसी हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। 25 तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर और नीचे बीच में आपको जगह भी छोड़नी पड़ेगी ना, 1 मीटर तो वो भी कवर होगा, तो कम ही होगा, ठीक है, तो कम ही होगा। प्लस उसमें दिया भी होगा जो कहाँ से कहाँ तक होगा, जैसे इसमें 18 मीटर तक ही शायद दिया है, तो 18 मीटर में 18 लग गया, ये देखो, ठीक है, तो 18 मीटर में लग गया, एक 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 ही साइड चाहिए, 18 पीस हो गया, 18 × ये आपका उसका यूनिट वेट हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन जीरो क्या हो गया, अच्छा ये नंबर्स नहीं लिखा हुआ है इसीलिए जीरो है, ठीक है, इसमें शायद नहीं चाहिए, अभी नंबर्स ही है ना, हाँ नंबर्स है, नंबर्स और बाहर कितना चाहिए करेक्ट। तो अब अगर आप इसको मान लो आपको अच्छा नंबर, ओके ओके सॉरी, नंबर ऑफ बेंड्स का है, तो नंबर ऑफ बेंड्स जीरो है, तो क्या हुआ ये हो गया नंबर ऑफ बेंड्स, ओके ओके कटिंग लेंथ, ओके अच्छा इसका लेंथ नहीं निकला है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ लेंथ मेंशन नहीं किया कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है। अब मान लो पूरा सर्कल मिला के कितना था, 1500 का था ना, तो 1500 का अगर है तो उस पर 52D लगाओगे तो 1500 तो 600 के आसपास, मतलब 2000 के आसपास आपका निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो 2000 अगर आप यहाँ पे जब लिखोगे, देखो ऑटोमेटिक ये सब वैल्यूज भी आ गए, ठीक है, उसी हिसाब से आगे आपका कैलकुलेशन एडजस्ट हो गया, करेक्ट। और यहाँ पे आसपास साइट रिक्वायरमेंट इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि जनरली ये साइट के लिए जब निकालोगे तो फाइनली आपको देना ही पड़ेगा कि कितना पीस यूज हुआ है, लेकिन साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लगा रहता है, थोड़ा सा जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो ना तो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो इसलिए साइट पे थोड़ा सा मेजरमेंट उसी हिसाब से लग जाता है, तो वो साइट पर्पस के लिए मैंने वो छोड़ा था, बट फाइनली जब बना के दिया था तो चेकिंग के लिए तो क्लाइंट को, तो उसमें मैंने मेंशन किया था अप्रॉक्स जो भी रिक्वायरमेंट था, ठीक है। अब ये आपका टोटल वेट आ गया 1 नंबर ऑफ पाइल के लिए, ठीक है, A1 अपार्टमेंट 1 in kg, मतलब ये एक पाइल में कितना kg रॉड चाहिए आपको, सरिया चाहिए। तो ये देखो अलग अलग साइज में सारा यहाँ पर टोटल आ गया है, फाइनली आप वहाँ पे सबको ऐड कर दो, या तो इधर से ऐड कर दो या टोटल ये वाला सब ऐड कर दो, तो आपको आ गया कि कितना kg में चाहिए, कितना पाइल के लिए, एक पाइल के लिए, टोटल इन एक पाइल। अब एक पाइल क्या है, वो kg में है, kg के बाद हमने क्या किया उसको मेट्रिक में कन्वर्ट कर दिया, मेट्रिक के बाद हमने कहा कि भाई एक पाइल में सॉरी एक ये जो अपार्टमेंट था इसमें 10 पाइल है, 10 पाइल इंटू इतना कर देंगे तो 10 पाइल के लिए निकल गया पूरा। तो ये देखो ये केजी से इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने 22,000 कर दिया, इधर आप इधर से कर लो या इधर से कर लो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इंटू 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि 10 नंबर ऑफ पाइल था, टोटल हमारा 95.89 मेट्रिक टन रॉड चाहिए एक पाइल को कंप्लीट करने के लिए अप्रॉक्स, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, बट अप्रॉक्स इतना आपको चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपना रिक्वायरमेंट भी दे सकते हो कंपनी को, उसी तरह ये देखो आप अगर इधर देखोगे तो ये पाइल कैप का है, ठीक है, मतलब ये तो पाइल हो गया, पाइल के ऊपर होती है पाइल कैप, तो वो उसका VVS है, ठीक है, तो उसको बारे में हम लोग दूसरा वीडियो में देखेंगे, ठीक है, इस वाले वीडियो में हम इतना ही रह देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि ये सब पाइल है, ठीक है,
तो ये सब जब पाइल है, तो ये जब पाइल जमीन के लेवल के आसपास आएगा ना, कहने का मतलब अगर ये आपका जमीन का लेवल है मान लो ग्रीन पोर्शन, तो पाइल आपके ऐसे आके ऐसे ऐसे बने रहेंगे, ठीक है। बाद में हम उसको क्या करते हैं, फिर से एक्सकवेट करते हैं अप्रॉक्स अलग अलग पाइल कैप का हाइट के हिसाब से, ठीक है। जैसे इसमें देखोगे पाइल कैप का हाइट कितना दिया है, 2250, मतलब ऊपर से 2250 मीटर नीचे जाना है, ठीक है। वो आपका टॉप लेवल से जो भी दिया होगा, ठीक है। उसके बाद से आपको 16,000 मीटर इंटू 10,000 मीटर की उसका विड्थ होगा। कहने का मतलब है कि ये आपका ऐसा कुछ आएगा, मतलब ये वाला पोर्शन में आपका एक पाइल कैप बनेगा। देखो ऐसे, मतलब ये सारा पाइल कैप मिला के एक आपका यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर या कुछ थोड़ा सा डायगोनल में एक पूरा सारे पाइल को पहले एक्सकवेट करेंगे, ठीक है। और इतना 2-2 मीटर के आसपास उसको पहले तोड़ के सरिया फ्री कर लेंगे, उसके बाद फिर से इसमें अलग से सरिया दी जाती है। सारे को अब कंबाइन बनाया जाता है, कंबाइन एक सॉलिड फिगर बनाया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक ऊपर निकलेगा, ठीक है, एक पायर बोल सकते हो या कॉलम ऊपर जाएगा, उसी को बोलते हैं अपार्टमेंट जो पहला वाला रहता है। और यहाँ से आपका ब्रिज जो है यहीं से स्टार्ट होगा। मेरा मतलब है कि आपकी ब्रिज अब यहीं से बनेगी, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। तो ये पहला वाला जो है, एक साइड इधर वाला जो पोर्शन रहेगा, इधर वाला वो मिट्टी रहेगा, ये वाला पूरा, ठीक है, मिट्टी को रोके रहेगा, उसका ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। और इधर आपका पूरा वाटर है, चाहे खाली एरिया है, चाहे जो भी होगा, उसी तरह यहाँ एंडिंग में भी सेम ही रहेगा, और इधर फिर से वो मिट्टी ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा करके उसको अपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऊपर अपार्टमेंट हो गया, नीचे उसके ऊपर अपार्टमेंट कैप बोलते हैं इसको, और नीचे ये सब अलग अलग पाइल होता है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बीबीएस, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, ठीक है, आप मेरे को नीचे कमेंट पे करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई दूंगा। कुछ भी डाउट है ना, ठीक है, अगर पाइल ही नहीं, अगर दूसरा स्ट्रक्चर का भी अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ फॉलो IS कोड, ठीक है, जैसे कि वो लैप लेंथ, फिर आपका बेंडिंग के लिए, ये सब चीज़ के लिए IS कोड यूज़ करो। एंड वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यूनिट वेट, ये सब पता होनी चाहिए, ठीक है। घर बनाते बनाते आपका समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ स्पेसिफिकली ड्राइंग में दिया हुआ है तो आप उसको यूज़ करो, अगर नहीं दिया है तो आपको स्टैंडर्ड IS कोड से को लेके ही सारी वैल्यूज सपोज करके चलना पड़ेगा। ये यूनिट वेट की, फिर लैप लेंथ की, फिर आपको बेंडिंग की, और फिर वो जो 2D माइनस हो रहा है आपको L के लिए, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है। पाइल कैप के लिए फिर से हम लोग दूसरा वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे ही नए नए रोज वीडियोज़ आपको मिल सके। और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि एकदम जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, ठीक है। एंड अगर अगर लोग कंफर्टेबल हो अगर इंग्लिश में, तो इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं बनाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देख सकते हो, इसका इंग्लिश वर्जन भी बनाऊंगा, जल्द से जल्द उसको भी लाऊंगा, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।